सहारनपुर में ससुरालियों को डराने के लिए युवक ने फायरिंग करते हुए वीडियो भेजा। पत्नी और ससुरालियों को दी जान से मारने की धमकी। दहेज की मांग के लिए पत्नी को घर से निकाला। घटना मुजफ्फरनगर मंसूरपुर की। पुलिस जांच में जुटी। 3.5 साल पहले हुई थी और वे शुरू से ही दहेज की मांग करते रहे। रोज शुरू से लेके दहेज को कहते और मेरे साथ सभी ससुराल वाले मार पिटाई करते रहे। और जब शादी को हमारे 1 साल हो गया तो उन्होंने हमें इस वजह से ही घर से बाहर निकाल दिया। मार पिटाई करके जब भी हमें धमकी दी कि अगर तू ना गई इस घर से तो मिट्टी तेल डाल के आग लगा देंगे। फिर हम रहने लगे यहाँ पे किराए पे, तो उन्होंने हमें वहाँ भी जलील किया, आके गालियाँ गलौच की वहाँ पे मील मंसूर पे के पास जी। और उन्होंने फिर हम वहीं चले गए सोनटे गांव में वापस दोबारा। जब हमारा काम ना चला हम वहीं पे चले गए, तो उन्होंने मेरे ससुराल वाले चाची साथ जितने चाची यहाँ सब रिश्तेदार उन्होंने मुझे मार पिटाई की दहेज को लेके। और इसी दौरान उन्होंने कहा मेरे घर वालों को, पापा के पास फ़ोन कर दिया कि ऐसे आके ले जाओ वरना हम इसे जला के मार देंगे। तो तभी मेरे पापा मम्मी गए वहाँ पर, दोनों सिर्फ अकेले थे तो उनके साथ भी मार पिटाई की बहुत ज़्यादा। लाते मारी, मेरे पापा की ईंट मारी सर हाथ पैर बहुत ज़्यादा, मेरे पेट में लात मारी और बच्चा छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे पर भी इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये अंगूठी उठाई इसने सोने की, इसने पैसे उठा के ले गई। अब भी कह रहे हैं कि 20,000 रुपये ले गई उठा के, सभी जेवरात ले गई उठा के। मतलब वो जो घर है ना, उस घर में भी गेट तक नहीं है, मेरे अलमारी पे भी लॉक नहीं है बिल्कुल भी। अब वीडियो कैसे? और वे हमें धमकी दे रहे हैं। मैं जब मैं हाँ गई थी उससे अगले दिन ही मुझे धमकी दी मेरे पापा को कि तो मेरे सोनटे से मतलब मंसूरपुर की सर्द में ना आ जा, ना तू आ जा ना तेरा दिया जा, जब तू तो धमकी देती रहे। और अब वीडियो भेज रहे हैं मैं उसकी बंदूक चलाते हुए, हम तुम ऐसे मार देंगे, तुझे मारेंगे, तेरे घर वालों को मारेंगे, तेरे भाइयों को मारेंगे। और अब क्या चाहते हैं? मैं उन पर कार्रवाई चाहती हूँ कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जो मेरी जिठानी है ना उनके साथ भी उनका अफेयर है, उनके 3 बच्चे हैं, इस वजह से मुझे और परेशान करते हैं।